तो मैं आपके लिए एक लेटेस्ट अपडेट लेके आया हूँ जो कि जॉइन इंडियन नेवी की रिक्रूटमेंट को लेके है। बहुत सारे छात्र बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे कि इंडियन नेवी AA और SSR की रिक्रूटमेंट कब से स्टार्ट होगी। उसको लेके मैं लेटेस्ट अपडेट बताने वाला हूँ कि आपकी AA और SSR जो नेवी की है रिक्रूटमेंट वो कब से स्टार्ट होने वाली है, कब से ऑफिशियली आपको इसका लिंक अप्लाई करने के लिए जो ये भर्ती है या आप कि एज एबिलिटी क्या रहने वाली है, इसमें एज लिमिट क्या रहने वाली है, क्या से क्या रहने वाली है, कब तक आप इसे अप्लाई कर सकते हो, उसको लेके पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा। जो भी मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना लेटेस्ट अपडेट के लिए। अगर वीडियो पसंद आए तो देखने के बाद लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चलो मैं आपको ऑफिशियल अपडेट पर ले चलता हूँ जहाँ इसकी डेट को लेकर ऑफिशियली अनाउंस किया गया है कि कब तक इसकी आपकी डेट जारी हो सकती है, कब से आप इसे अप्लाई करना स्टार्ट कर सकते हो और इसमें एज रिलैक्सेशन मिल रही है या नहीं मिल रही है। चलो मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा, चलो वीडियो स्टार्ट। जैसा कि दोस्तों मैं ये आपको ऑफिशियल नोटिस दिखा रहा हूँ, आप देख सकते हो द इंडियन नेवी की तरफ से ये ऑफिशियली एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में नोटिस जारी किया गया था अगस्त बैच 2022 की वैकेंसी को लेके, जिसमें कि नेवी AA और SSR की पोस्ट रहने वाली है। AA की 500 और SSR की 2000 पोस्ट रहने वाली है। वही बात करें एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, AA के लिए 12वीं पास मांगा गया विद अ साइंस स्ट्रीम है, मिनिमम 60% मार्क्स मांगे गए हैं। वही बात करें SSR के लिए, इसमें 12वीं पास प्लस में साइंस स्ट्रीम मैथ्स और फिजिक्स आपकी कंपलसरी होना है दोनों में। वहीं बात करें एज लिमिट की, एज लिमिट में कोई रिलैक्सेशन नहीं है आपकी। 1 अगस्त 2002 से अगर 31 जुलाई 2005 के बीच में अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है तो आप एलिजिबल हो, अप्लाई कर सकते हो इस भर्ती के लिए। ये मैं आपको ऑफिशियली अपडेट बता रहा हूँ। वहीं बात करें इसकी डेट को लेके, आप बहुत सारे छात्र इसकी डेट को लेके परेशान हो रहे हैं कि सर इसकी डेट तो आ चुकी थी पर ये एप्लीकेशन जो है लिंक एक्टिवेट नहीं हुआ और हमने ये फॉर्म नहीं भर पाया। वो बात करता हूँ कि इंडियन नेवी की तरफ से जब इसकी नोटिफिकेशन दे दी गई थी पहले ही, बहुत पहले ही, बट उसका लिंक जो है उसको किसी कारणवश रोक दिया गया। उस समय इस भर्ती की नोटिफिकेशन का लिंक एक्टिवेट नहीं किया गया। अब बात करें इसका लिंक कब तक एक्टिवेट हो जाएगा, तो जो इसका लिंक एक्टिवेट होने के चांसेस है पूरे पूरे वो कब तक हो जाएगा, तो बात करें आपकी, वो आपको लिंक अप्रैल लास्ट वीक तक मिल जाएगा कन्फर्मली। अप्रैल जो लास्ट वीक है उसमें आपको इसकी ऑफिशियल लिंक एक्टिवेट मिल जाएगी जहाँ से इसे अप्लाई कर सकते हो। और जो कारण है आपका लिंक रोकने का, वो कारण ये है कि बहुत सारे बच्चों की डिमांड थी कि सर इसमें जो आपके 0 रुपीज़ का फॉर्म था परसेंटेज के बेसिस पे सिलेक्शन हो रहा था कि भाई जिसकी ज़्यादा परसेंटेज होगी उसी को क्वालिफाई करा जाएगा, एडमिट कार्ड उसी को इशू होगा जो कि CPD दे पाएगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम, जो कि उसमें ज़्यादा कैंडिडेट नहीं चुने जा रहे थे। वही बात को लेके इसमें कोर्ट ने भी दखल दिया बाद में। इसके बाद जो SSR और AA की तरफ से नेवी ने ये फैसला लिया गया कि बाद में हम सभी बच्चों को मौका देंगे तो सभी छात्रों को मौका मिलेगा। ये मैं लेटेस्ट अपडेट बता रहा हूँ कि सभी छात्र कन्फर्मली सभी छात्रों को मौका दिया जाएगा इस भर्ती में, तो इसलिए आप इस भर्ती की तैयारी ज़रूर करिएगा। जैसे लिंक एक्टिवेट होगा मैं वीडियो के नए माध्यम से आपको बता दूंगा। अगर वीडियो पसंद आए लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे।